नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगरा के पारस अस्पताल में सुबह 7:05 के लिए ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल की गई थी। उस भयानक पल को बयान करते हुए 6 मिनट के 4 वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसमें पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन बता रहे हैं कि इस मॉक ड्रिल से 22 मरीजों का दम घुटने लगा था और उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। इस दौरान अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम प्रभु एन सिंह ने मामले की जांच कराने की बात कही है। पारस अस्पताल के वायरल वीडियो ने पूरे शहर में इस वक्त खलबली मचा कर रख दी है। वायरल वीडियो पर प्रशासन हरकत में आया। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पारस हॉस्पिटल पर पहुंचकर अधिकारियों से उस अस्पताल को सील करने और डॉक्टर अरिंजय जैन समेत इस प्रकरण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन से लगातार पूछताछ चल रही है। अब पारस हॉस्पिटल को फिलहाल सील कर दिया गया है। एसपी सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। अस्पताल के मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रकार का मॉक ड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉक ड्रिल बोला गया है। मॉक ड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अभी और मैं बताया दिया सब लोगों को, जो मेरे परिचित थे इसलिए मैं आया था, लेकिन मैं 2-3 दिन से बराबर आ रहा था, लेकिन उस दिन जब देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन से ये कहा गया कि जल्दी जल्दी अपनी ऑक्सीजन या सिलेंडर का व्यवस्था करें या कैसे भी करें, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यही कि हम लोगों ने कैसे भी भागदौड़ करके करा, लेकिन इसी बीच में कम से कम 15-16 लाश मतलब बॉडी एक्सपायर हुई, जिसमें 5-7 लोग ऐसे थे जो मेरे परिचित थे, उनके कोई ना कोई परिचित एक्सपायर हुआ। लेकिन हर किसी को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई फटाफट तुरंत एक्सपायर हो रहे थे। और 27 की सुबह तक, जब तक मैं वहाँ मथुरा हम लोग ऑक्सीजन लेने गए हैं, तब तक काफ़ी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3-4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था, मिनिमम यह 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर वन। दूसरा, जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। इस समय मौजूद है हम पारस हॉस्पिटल में। ये वही हॉस्पिटल है जिसके बराबर वीडियो वायरल हो रहे थे और ये मौतों का अड्डा बना हुआ है। और हमारे साथ यहाँ अभी एक तीमारदार मौजूद हैं, जिनके भी एक पत्नी की मौत हुई थी उस दिन, उस रात को। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है और ये क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं। और अभी भी बराबर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर अब हमारे साथ जो तीमारदार मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये चाहते हैं और किस तरह की घटना हुई थी इनके साथ। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सोलंकी है जी। उस दिन जिस तरह आपकी पत्नी यहाँ एडमिट थी, उस दिन क्या मामला हुआ था, किस तरह की घटना थी, क्या क्या कुछ हुआ था? 1 तारीख को मेरी मिसेज यहाँ पे, 1 मई को मेरी मिसेज यहाँ पे खुद चल के आई थी, एडमिट हुई थी, उनका भाई आया था। उसके बाद इन लोगों ने ऑक्सीजन बेड पे ले लिया, बोले कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है। इसके बाद नॉर्मली ट्रीटमेंट चलता रहा,
मैंने उनको बोला कि रेमडेसिविर, बोले रेमडेसिविर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि डीएम और सीएमओ की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो आपको लिख के नहीं दे सकते हैं, हम आपको लिख के नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। फिर हम लोगों ने बाहर से कैसे भी खरीद के इंजेक्शन लगवाया, 7 इंजेक्शन लगवाया हमें। उसके बाद एक 45,000 का इंजेक्शन था वो भी लगवाया। इसके बाद 12 तारीख को इन्होंने डायरेक्ट आईसीयू में ले लिया। मैंने कहा आईसीयू में क्यों लिया आपने, वो तो सही है। बोले आईसीयू का एक बेड खाली हुआ है और इनके लंग्स को थोड़ा बाईपाइप लगा के ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो इसलिए लिया है। तो इन्होंने 12 तारीख को ऑक्सीजन दिया, उसकी वजह से पंचर हो गया उनके लंग्स में। मेरे को ये दूसरे दिन बोले जिस समय 22 तारीख को, जिस समय 12 तारीख को आपकी मैडम को आईसीयू में लिया गया था, उसमें स्थिति क्या थी? आपने कुछ नहीं, एकदम ओके था, एकदम बराबर। मैं चाय पिलाया था उनको, सब कुछ ओके था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इनका एक आईसीयू का बेड खाली हुआ, इन्होंने मेरे को बोला कि ऑक्सीजन का वाईपाइप लगाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, आपको जो आप डॉक्टर हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, जो आपको बेटर लगता है वो करिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या कहते लिया, उसके बाद 13 तारीख को इन्होंने एक नया मशीन मंगाया, 14 तारीख को एक नया मशीन मंगाया, HFNC मशीन, जो हाई प्रेशर देता है, और इन्होंने बिना पूछे वो मशीन लगा दिया। मैंने उनको बोला कि आपको मशीन, आप बोल रहे हैं कल पंचर हो गया, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, आज आप 50 kg प्रेशर दे रहे हैं, वो तो मर जाएंगी। मैं आके देखा तो वो सिसक रही थी, और मेरी मिसेज मेरे को ऐसे मेरे कपड़े पकड़ लिए थे, बोली आप मुझे बचा लो, ये डॉक्टर मेरे को बोल के गया है कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। मेरी मिसेज ये खुद, मेरे बड़े भाई मेरे साथ में थे, मेरे बड़े भाई आके मना कर दिए कि हटाइए वो मशीन, हटाइए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? बोले हाँ, नया मशीन मंगाना है। तो आपकी मिसेज ने स्वयं खुद डॉक्टर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इन्होंने वो मशीन हम लोगों ने हटवा दिया, इवन मेरा डॉक्टर से थोड़ा बातचीत हो गया, मेरे भैया ने बोला कि आप ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल मत करिए। उसी दिन इन्होंने मशीन मंगाया था, 5,000 रुपये चार्ज था, उसका कोई रिसेप्ट भी नहीं देंगे, ये भी मुझे बोला गया था उसका कोई रिसेप्ट नहीं दिया जाएगा, 5,000 पर डे का इसका चार्ज है। अभी नया आया है, आज ही आया है, पूरे आगरा में पहली बार मशीन मंगाया है। हम लोगों ने एक डॉक्टर को ट्रेनिंग भी दिलवाया है। वो मशीन हटवाने के बाद वो पूरा गुस्सा हो गए, ऑफिस से बाहर निकलो, केबिन से बाहर निकलो, और तुम्हारा मरीज को यहाँ से लेके जाओ। ये हम लोगों ने रात को, हम डर गए कहीं ऐसा ना हो ये मार दें। मैंने रेनबो हॉस्पिटल में जाके बात किया, हॉस्पिटल में बैठ लिया सुबह, लेकिन इन्होंने मुझे रेनबो हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। सुबह तक का 11 बजे मेरा डिस्चार्ज था, मैं रेनबो में ले जाने वाला था, और इन्होंने सुबह 6 बजे ही मेरी मिसेज को मार डाला। और इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको आगरा से बता रहे थे, जहां पारस हॉस्पिटल का ये मामला सामने आया था, जहां एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अस्पताल संचालक साफ तौर पर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने 5 मिनट के लिए अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद 22 मरीजों की मौत हो गई। वहीं इस घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ममता आगरा से इस वक्त जुड़ी हुई है। तो ममता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह की वीडियो वायरल वीडियो में साफ तौर से डॉक्टर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये हम लोगों ने 5 मिनट के लिए मॉकड्रिल किया और छठ से 22 मरीज छटनी हो गई। तो इस तक इन शब्दों का जो साफ तौर से साफ बिल्कुल मतलब निकल रहा है कि इनके द्वारा 22 मरीजों की जान के साथ एक मॉकड्रिल किया गया, और जान के साथ जो कि खिलवाड़ किया, जो कि बहुत निंदनीय है और बहुत ही संवेदनहीनता की बात है, क्योंकि हॉस्पिटल संचालक पर इसी के तहत आज शाम तक प्रशासन के द्वारा एक मुकदमा दर्ज भी किया गया है, जिसमें उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस हॉस्पिटल को सील करने की बात कही गई है, जो कि हॉस्पिटल को कल दोपहर तक प्रशासन के द्वारा बताया गया कि इस हॉस्पिटल को कल दोपहर तक सील किया जाएगा, क्योंकि जो 22 मरीज जो जिस हॉस्पिटल में जो मरे हैं, जिनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो वही इस हॉस्पिटल में 55 मरीज अभी भी इस समय मौजूद हैं, तो उन 55 मरीजों को अब तक कहीं ले जाया नहीं गया है, कहीं उनको सेटल नहीं किया गया है। इस वजह से उन 22 मरीजों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के वजह से कल दोपहर तक का समय है, और इनके पास जो और SN जो अस्पताल है, SN मेडिकल कॉलेज है, उसमें प्रशासन की तरफ से उनको भर्ती किया जाने की बात कही गई है प्रशासन की ओर से।
और जी और अगर परिजन चाहे तो कहीं अपने मरीज को कहीं अपने निजी अस्पताल में भी ले जा सकते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता आप तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे जहां पारस अस्पताल का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जहां पर अस्पताल प्रशासन की एक घोर लापरवाही देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में जहां प्रदेश सरकार ने जून महीने तक 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में भी जिला महिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा में पिंक बूथ बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि इन स्पेशल विमेंस बूथ पर 18 से 44 आयु वर्ग के एक काउंटर और 45 वर्ष से अधिक के एक अलग काउंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 18+ के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जबकि 45 साल से ऊपर वालों के लिए बूथ पर ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं में अधिक से अधिक टीकाकरण कराने हैं। एक पिंक बूथ जो वुमेन्स स्पेशल के नाम से बना है वो जिला महिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा में बना हुआ है। इसमें 18 से 44 तक के लिए एक बूथ है, साथ ही वहीं 45 से लेकर 60 साल के लिए है। दोनों जगह ये व्यवस्था है और दोनों जगह 100-100 लोगों का होगा। 18 से 44 के लिए दोनों जगह पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन करा के। बुलंदशहर में बीडीसी मोहित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल फौजी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं घटना में शामिल कार, तबंचे और कारतूस को भी बरामद कर लिया गया है। 29/5/21 को थाना बीबी नगर के बाहपुर गाँव में एक 26-27 वर्षीय मोहित कुमार जो बीडीसी के सदस्य थे इनको संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लाद कर ले जाते हुए लोगों के द्वारा देखे जाने पर उनके परिवारी जनों को सूचना दी गई और इस मोहित के चचेरे भाई महावीर ने थाने पर एक तहरीर दी, 7 लोगों को नामित करते हुए अपहरण का मुकदमा लिखाया। इसके बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में सीओ के बिल्कुल करीबी नेतृत्व में और हमारी स्वाट टीम ने इसमें बहुत ही परिश्रम के साथ प्रयास शुरू किए। इसमें कुछ अभियुक्त उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे जो साजिश में सम्मिलित थे और कुछ सूचना के आधार पर अभियुक्त के पत्नी और उसकी मां ये असलहों को छुपाने के प्रयास में। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ताज नगरी आगरा के ताजगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए आज ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला कली एरिया में सवेरे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना पुलिस एसओजी की टीम फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना वहाँ पर किया गया। प्रथम दृष्टि हत्या का प्रकरण जो है वो सामने इसमें आ रहा है। इसमें बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त हुई है उसके ऊपर कौशाम्बी के थाना कोखराज क्षेत्र में टॉप 10 अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही की जा रही है। टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में शामिल 25,000 के इनामी तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ में इनामी तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल घायल तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। थाना कोखराज क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक अपराधी अजमेरी नाम का पकड़ा गया है। उसके पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पता चला है कि वो जिले का चिन्हित माफिया है, कैप्टन अपराधी है, 25,000 के नाम पर और ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाने में पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 97,500 रुपए के साथ 3 गाड़ियां और 4 असलहे भी बरामद किए गए हैं।
मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। गाड़ी के पलटने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। पीड़ितों का कहना है कि जब वे घर परिवार समेत अपने घर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा देख वे दंग रह गए। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना डायल 112 को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ितों ने यह भी बताया कि लगभग 1,03,000 नकदी समेत सोने चांदी के जेवर फिलहाल गायब है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग कल शाम दोपहर में अपने घर चले गए। यहाँ से पूरे मकान में आवाज़ पड़ता है, पत्री का आवाज़। तो कुछ वहाँ पे मंदिर के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था तो सब परिवार हम घर चले गए। और उसके बाद जो बात हुआ, लगभग 7:30-8 के बीच में यहाँ आए तो ये देखा कि मेरा ये मेन गेट का ताला और ये इस कमरे का ताला टूटा हुआ था। और उसके बाद जब अंदर गए तो अंदर अलमारी का लाकर टूटा हुआ था, उसमें कुछ ज्वेलरी और जो कैश था जो रखा गया था वो पूरा गायब था। और उसके बाबत हमने लगभग 8:30-8:30 के बीच में रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में चलती एम्बुलेंस में एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक के साथ गाड़ी में बैठे दूसरे साथी ने ही चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को हाईवे पर ही फेंक दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए फौरन कार्यवाही शुरू कर दी और मौके से आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया है। सीतापुर के थाना खैराबाद में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर हमला किया। हमले के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर असलहे के बल पर हंगामा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में अब पीड़ित परिवार ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है और थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की। सीतापुर में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। डीएम के आदेश पर लूटे गए पैसों को भी और मकान प्लाट को भी जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ लुटेरे गैंग के सदस्यों को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में आज दिनांक 8 जून को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर अभियुक्त मोहम्मद नफीस निवासी बिदौरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति जिसमें एक मकान व 2 प्लाट, 1 चौपहिया वाहन व 2 पहिया वाहनों को यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) UP। सोनभद्र के डीएवी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल ने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। बता दें कि डीएवी रिहंद के कई बच्चों का आईएएस पीसीएस सहित कई क्षेत्रों में सिलेक्शन हुआ है। कार्यक्रम में कई लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रियंका शर्मा नाम के स्टूडेंट का सिलेक्शन पीसीएस बिहार में हुआ। स्टूडेंट प्रियंका शर्मा ने कहा कि मेरे सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और डीएवी रिहंद के समस्त गुरुजनों को जाता है। सिलेक्शन होना हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डीएवी स्कूल एनटीपीसी रिहंद यहाँ से दर्जनों बच्चे अपनी शिक्षा को कम्प्लीट करने के बाद मेडिकल प्रोफेशन में गए हैं और 100 से भी अधिक जो बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी में क्वालिफाई किया है। आज मैं रिहंद नगर के डीएवी विद्यालय पहुँचा हूँ। यहाँ की छात्रा जो है प्रियंका शर्मा जी, ये बिहार में का एक अच्छे पोस्ट सिलेक्शन हुआ है। उसी के दौरान आज डीएवी रिहंद में इनका सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। इसके बारे में इनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ, इस विद्यालय के इनका अनुभव कैसा रहा। जी सर, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। देन मैं चीफ गेस्ट सर लोग को थैंक यू कहना चाहूँगी कि दे आर पार्ट ऑफ द सक्सेस एंड दे आर पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर मैं श्रेय की बात करूं तो इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनों, डीएवी संस्थान
और संपूर्ण एनटीपीसी इंस्टीट्यूशन को देना चाहूँगी, जिसके थ्रू मुझे इस स्कूल की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ है। अच्छा, ये आपकी जो स्टार्टिंग पढ़ाई यहाँ, मतलब किस क्लास से स्टार्टिंग, कितने तक यहाँ जी? मैंने यहाँ पर क्लास एलकेजी। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद में यह हत्या हुई है। परेशानी की बात यह है कि सूचना के बाद भी पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची। पुलिस के देर से आने की वजह से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल पीड़ित परिवार की तहरीर पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अखंड नगर के ग्राम पौधनपुर रामपुर निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र राजा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, अपने घर पौधनपुर रामपुर से कादीपुर की तरफ जा रहे थे। अज्ञात 3 व्यक्तियों के द्वारा इनके सर पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इनके परिजनों की तहरीर पर पंकज धीरज पुत्रगण रामप्यारे, रामप्यारे निवासी पौधन रामपुर एवं रमेश वर्मा निवासी पीपरी तथा 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 302 का। चिकित्सा में सुधार को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हकीकत जानी जाती है तो लाख दावों की पोल खुलती साफ तौर पर दिखाई देती है। ऐसा ही मामला उन्नाव से भी सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जबकि उनके गाँव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। तो चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। योगी सरकार लाख दावे करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो हाल है उसकी तस्वीर देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये तस्वीर स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी झलक दिखाती है। उन्नाव के पडरी कला स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। यहाँ मरीज भर्ती करने के लिए जो वार्ड बने हैं उनमें डॉक्टर और मरीजों के बजाय जानवर रहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर गायब है। गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको जिला अस्पताल लाना पड़ता है। वहीं कई लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। आप खुद ही सुनिए कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। बहुत सालों से बंद है, जब से मैं छोटा हूँ यहाँ पे न कोई डॉक्टर आया है, या फिर कभी कभी कोई कंपाउंडर आ भी जाता है तो दवा लिख देते हैं जो कि बाहर ही अवेलेबल हो पाती है, यहाँ पे नहीं। और इसके कारण कितने ही लोग यहाँ पे हमारे गाँव के नागरिक जो है इसी कोरोना काल में खत्म हो गए हैं। कम से कम यहाँ पे 25 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, जिनका कारण यही रहा, ऑक्सीजन ना मिल पाना समय पे, या फिर किसी किसी को ऑक्सीजन मिल भी गया तो आदमी रास्ते में ही खत्म हो गया। तो सुना आपने कि किस तरह ग्रामीण अपना दर्द बयां कर रहे हैं और किस तरह स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालात को बता रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सिर्फ बड़े बड़े दावे ही किए जाते हैं, लेकिन सुधार न पिछली सरकारों में हुआ और न ही इस सरकार में। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो नाव से ये मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां एक ओर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात कही जा रही है, लाख दावे पेश किए जा रहे हैं, वहीं इस तरीके की तस्वीर आना बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि उन्नाव से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ये मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में जानवर देखे गए हैं। जिस अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर इस तरीके से घटना सामने आई है। वहीं इस घटना पर हमारे साथ विधायक अनिल सिंह जुड़ चुके हैं। तो अनिल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालात देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप लगातार निरंतर आप सब लोग उठा रहे हैं सब बातें। मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार लगातार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज्यादा सक्रिय है और एक्टिव होकर तमाम स्वास्थ्य, हमारे यहाँ 200 वर्ष से समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने कभी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने 4 साल के अंदर मौरावा चालू कराया, बिछिया चालू कराया और तमाम स्वास्थ्य केंद्र चलाकर खड़े कर दिए। गाँव का है उसमें काफी, उसी के बगल में 4-3 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा एक CST बनाया गया है, बिल्कुल लगा हुआ बिछिया ब्लॉक पे, और उससे निरंतर सेवा, कोविड हॉस्पिटल चल रहा है और निरंतर सुधार हम लोग कर रहे हैं जी।
अनिल जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि लगातार उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं? अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये हमारे साथ विधायक अनिल सिंह जी जुड़े हुए थे उन्नाव से, जो सवालों से साफ तौर पर बचते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार उन्होंने दावे पेश किए हैं कि उन्नाव में इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले विधायक जो काम नहीं करवा पाए वो उन्नाव में हमारी 4 साल की सरकार में किया गया। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अगर आपने ध्यान दिया है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरीके की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है, लोगों को अभी भी असुविधाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो वो साफ तौर पर सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारे हालात हैं और जिस तरीके से हम हालातों को देख पा रहे हैं। वही इस घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, आप हमें बताइए कि उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या कुछ हालात आपने देखे हैं? जैसा कि मैं बता दूं कि मैं जब वहां ग्राउंड जीरो पे गया तो मैंने देखा कि वहां डॉक्टर गायब थे। अस्पताल में सिर्फ जानवरों का अड्डा बना हुआ था, डॉक्टर नहीं थे। लोग वहाँ बोलते हैं कि वहाँ दवाएं अस्पताल के लिए लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, दवाएं नहीं थी वहाँ। लोगों से मेरी बात हुई, लोगों ने बताया कि डॉक्टर आते नहीं है, जानवर होते हैं, रात में अस्पताल अराजकत्वों का अड्डा बन चुका है वहाँ। प्रकार से लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से कोशिश कर रही है, जिसको लेकर हम लोग बात करते हैं कि योगी सरकार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर बनाने को लेकर काम किए जा रहे हैं, लगातार सीएम औचक निरीक्षण कर रहे हैं जिलों का। वहीं जब उन्नाव में ऐसी तस्वीरें देखी जाती है तो वो बेहद ही चिंता का विषय हो जाती है। वहीं जब विधायक जी से इस मामले में बात की जाती है तो विधायक अनिल सिंह सवालों से ही बचते नजर आते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, लोगों से मेरी वहां के क्षेत्रीय लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहां डॉक्टर आते ही नहीं है। पहले टाइम कुछ कोविड की जो सेकंड वेव आई, इसके पहले वहां कोई एक फार्मासिस्ट आता था कंपाउंडर टाइप का, तो वही लोगों का इलाज कर रहा था। अब इससे बड़ी आप क्या समझ सकते हैं कि एक कंपाउंडर वहाँ कोविड काल में लोगों का इलाज कर रहा हो। और मैंने पूछा कि क्या दवाएं यहाँ उपलब्ध है, तो लोगों ने कहा कि जो कंपाउंडर आता है नहीं, वो लोगों को बाहर से दवाई लिख रहा था। और मैं आपको बता दूं कि कोविड काल में सांस लेने में दिक्कत और बुखार से वहां 25 से 30 लोगों की जाने भी जा चुकी है। गांव से जिला मुख्यालय जो अस्पताल है उसकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर, लेकिन रास्ता इतना जर्जर है कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, कई लोगों की जाने उसी रास्ते में जा चुकी है वहाँ। जी ऋषभ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भयानक तस्वीरें देखने को मिली है, जहां एक ओर कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।